आप सभी छात्र छात्राओं का आर्यावर्त इंस्टीट्यूट के चैनल पर और आर्यावर्त इंस्टीट्यूट कॉलेज में बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग देख रहे हैं बीपीएड और एमपीएड के स्टूडेंट्स हैं जो प्रैक्टिकल की तैयारी कर रहे हैं। प्रैक्टिकल कैसे दिया जाता है, प्रैक्टिकल की तैयारी कैसे करनी चाहिए, पूरा ग्राउंड में अपना फिजिकल एजुकेशन का कोर्स कर रहे हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं कि प्रैक्टिकल कैसे दें ताकि हमारा प्रैक्टिकल एग्जामिनर के सामने कैसे अच्छा हो। तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि बीपीएड और एमपीएड क्या है, इसकी फीस क्या है, कोर्स के क्या लाभ हैं, और अपने आर्यावर्त के स्टूडेंट्स को भी आप देखेंगे कि वे प्रैक्टिकल कैसे ग्राउंड में सीख रहे हैं, उनको प्रैक्टिकल में कैसे सिखाया जाता है। हमारे टीचर जो है प्रैक्टिकल जब लखनऊ विश्वविद्यालय से होता है उसके पहले सभी स्टूडेंट्स का ट्रेनिंग पूरा करा लेते हैं कि इनका प्रैक्टिकल पूरा तैयार हो गया है अथवा नहीं। यहाँ पे हम लोग इसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे और चलते हैं, पहले बीपीएड और एमपीएड की बात करते हैं, फिर अपने स्टूडेंट्स के बारे में आपको बताएंगे। अब हम यहाँ चलते हैं कि बीपीएड, जैसा हम लोग सब लोग जानते हैं कि बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, शारीरिक शिक्षा में स्नातक कहते हैं। इसको ग्रेजुएशन के बाद किया जा सकता है। बीपीएड 2 साल का होता है, सेम ऐसे एमपीएड भी होता है। एमपीएड जो है बीपीएड के बाद किया जाता है और बीपीएड के बाद एमपीएड में दाखिला मिल जाता है। एमपीएड भी 2 साल का होता है। यहाँ से आप देख रहे हैं स्टूडेंट काफ़ी उत्साहित हैं, काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं कि इनका काम लगभग पूरा हो चुका है प्रैक्टिकल का। और हम लोग आगे बात करते हैं कि बीपीएड कैसे होता है। तो बीपीएड करने के लिए आपको स्नातक पास होना बहुत ज़रूरी है। यदि आप स्नातक पास हैं किसी भी स्ट्रीम से, बीएससी, बीकॉम, बीसीए, तो बीबीए, तो आप बीपीएड कर सकते हैं। बीपीएड के लिए स्नातक में 50% होना चाहिए और कोई एक गेम सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। फिजिकल टीचर का मतलब क्या होता है, अगर बात कही जाए तो फिजिकल एजुकेशन टीचर का कार्य होता है कि वह संबंधित विद्यालय में फिजिकल एजुकेशन टीचिंग करना, बच्चों को शारीरिक अभ्यास कराना और शिक्षण से संबंधित अन्य प्रशासनिक कार्य संपन्न कराना। फिजिकल एजुकेशन टीचर का पद केंद्र और राज्य सरकार के शिक्षा विभागों द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थानों में होता है। और ये हमारे एमपीएड के स्टूडेंट्स हैं, आपके सामने दिखाई दे रहे हैं और अपना प्रैक्टिकल का अभ्यास पूरा कर रहे हैं, प्रैक्टिकल सीख रहे हैं। और इनका जो है प्रैक्टिकल होगा, जब ये पूरा सीख लेंगे, आर्यावर्त के ग्राउंड में प्रैक्टिकल सिखाया जा रहा है छात्र छात्राओं को। और टीचर हमारे जो है सुबह मॉर्निंग में प्रैक्टिकल शुरू हो जाता है, शुरू सुबह से सीखना शुरू कर देते हैं। और हम लोग अब बीपीएड के कोर्स के बारे में और आगे बात करते हैं कि बीपीएड जो है कितनी सैलरी मिलती है। तो इसकी सैलरी जो है आप 20,000 से लेकर 30,000 तक आप सैलरी पा सकते हैं बीपीएड करने के बाद। और यदि हम एमपीएड की बात करें कि आपने यदि एमपीएड कर लिया है मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, तो आप 30,000 से लेके 50,000, 60,000 तक सैलरी पा सकते हैं प्रति महीना। और बीपीएड कोर्स करने में कितना फीस लगता है, तो अगर हम लोग फीस की बात करें तो गवर्नमेंट कॉलेजों में कम फीस लगता है, परंतु यदि आप प्राइवेट कॉलेज से करते हैं तो आप लोगों को 80,000 से लेकिन 1,00,000 रुपया तक फीस देना पड़ता है। और आप लोग देख रहे हैं आर्यावर्त इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन लखनऊ में बीपीएड के स्टूडेंट्स, एमपीएड के स्टूडेंट्स आर्यावर्त के ग्राउंड पे अपना प्रैक्टिकल का अभ्यास कर रहे हैं, प्रैक्टिकल सीख रहे हैं। हमारे टीचर्स उन्हें ट्रेनिंग दे रहे हैं कि प्रैक्टिकल आपको कैसे करना है, कैसे फाइल बनती है, कैसे आपको जो है प्रैक्टिकल में अच्छे नंबर लाने हैं। तो ये सारी प्रैक्टिस कराई जा रही है। और आगे हम बात करें अगर कि बीपीएड में आप जो है किन किन पदों पे जा पा सकते हैं करने के बाद, तो आप जो है स्कूल और कॉलेज में शिक्षक अध्यापक बन सकते हैं, जिम सेंटर्स ट्रेनर बन सकते हैं, विभिन्न खेलों में एम्पायरी रेफरी बन सकते हैं, स्पोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड में जा सकते हैं, स्पोर्ट्स मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव बन सकते हैं, स्पोर्ट्स कोच बन सकते हैं, टीवी चैनल में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बन सकते हैं, न्यूज़पेपर में सपोर्ट जर्नलिस्ट बन सकते हैं, डिजिटल मीडिया में सपोर्ट जर्नलिस्ट बन सकते हैं, खेल प्रशासक बन सकते हैं, फिटनेस प्रभारी बन सकते हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बन सकते हैं, योग शिक्षक प्रशिक्षक बन सकते हैं। तो ऐसे तमाम जो है पद हैं जो आप बीपीएड और एमपीएड के बाद आप कर सकते हैं और अच्छी जॉब पा सकते हैं। बेहतर जॉब मिलता है, बहुत अच्छे जॉब मिलते हैं इसके और बहुत जल्द जॉब मिल जाते हैं। और बीपीएड के बाद अगर
कहा जाए कि आपको क्या करना चाहिए, तो बीपीएड के बाद आपको एमपीएड कर लेना चाहिए, और एमपीएड ज्वाइन करने से आपको फायदे होते हैं, आप मास्टर डिग्री प्राप्त हो जाता है आपको, और एमपीएड के बाद आप नेट और पीएचडी कर सकते हैं। एमपीएड बहुत अच्छा होता है, एमपीएड आपको कर लेना चाहिए। और यहाँ स्टूडेंट्स देख रहे हैं आपको अपनी प्रतिभा दिखा रहे हैं, इन्होंने जो प्रैक्टिकल सीखा है वे करके दिखा रहे हैं अपने टीचर्स के सामने, और इनका जो है प्रैक्टिकल चेक किया जा रहा है कि ये लोग पूरा सीख गए हैं कि नहीं सीख गए हैं। तो ग्राउंड पे आर्यावर्त इंस्टीट्यूट के ग्राउंड पे इनका प्रैक्टिकल संपन्न कराया जा रहा है। प्रैक्टिकल की जो प्रैक्टिस होती है सुबह शाम, उसमें इन्होंने कितना सीखा है, तो लास्ट में हमारे टीचर जो है चेक करते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि हमारे स्टूडेंट्स फाइल भी अपनी बना चुके हैं, और अभी अपने टीचर्स को बारी बारी से अपनी फाइल चेक कराएंगे, जैसे प्रोजेक्ट फाइल है और फील्ड इवेंट की फाइल है, ऐसे कई फाइल बनती है खेल से संबंधित, तो अपनी फाइल ये लोग पूरा कर लेते हैं और लास्ट में अपने टीचर्स को, अपने अध्यापक को चेक कराते हैं। यदि इनके फाइलों में कुछ कमी होती है, कुछ काम अधूरा रहता है, तो हमारे टीचर्स जो है इनके फाइल को पूरा कराते हैं। और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं बीपीएड एमपीएड के, तो हम बताएं आपको, आकाश गुप्ता हैं, और अखिलेश, अमित, अंजलि, अंकिता, अशोक चौधरी बनवारी, और भारत, भवदीश, चित्रा, ऐसे बहुत स्टूडेंट्स हैं, देशराज, हरिराम जाट, हर्ष टिंकर, कमलेश, कामरान, करण, कुलदीप, लक्ष्य, लेखराम, मीना, लोकेश, महेंद्र, मनोज, मनीषा, हेमलता, नरेंद्र, और नवजीत, और नीमा, निकिता, नूपुर, ओम प्रकाश, पिंटू, परमजीत, प्रकाश जाट, और प्रतीक, प्रेरणा जाट, रागनी, राहुल, राहुल यादव, राजेंद्र, राजीव सिंह, राजवीर, रमन, रश्मि, और रवि वर्मा, रितिका, रोहित, सीमा, सेराज, सालिनी, और शिवम, शोभा, सुनीता, सुरेंद्र कुमार बाना, सुरेश, स्वरूप, तिलक, और उत्कर्ष, वैभव, विजय, विकास, विनय, विष्णु, ये हमारे स्टूडेंट्स, योगेंद्र हमारे बीपीएड के स्टूडेंट्स हैं, और अपनी फाइल चेक करा रहे हैं। इनकी फाइल जो भी स्टूडेंट्स बीपीएड और एमपीएड में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं वे लोग आर्यावर्त इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन में ज्वाइन करें, आपका एडमिशन हो जाएगा बीपीएड और एमपीएड में, और आपका 2 साल का कोर्स होता है, 2 साल बाद आपको लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा डिग्री मिल जाती है। आर्यावर्त इंस्टीट्यूट लखनऊ विश्वविद्यालय से एफिलेटेड है, और आर्यावर्त इंस्टीट्यूट NCTU न्यू दिल्ली से अप्रूव्ड है, और आर्यावर्त इंस्टीट्यूट काफ़ी पुराना है, 2006 से कॉलेज चल रहा है, रनिंग है कॉलेज, और गोल्ड मेडलिस्ट है लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा। यूपी का बेस्ट कॉलेज है फिजिकल एजुकेशन के लिए, आप यहां आ रहे हैं और इस कोर्स में ज्वाइन लें, आपका एडमिशन हो जाएगा, बीपीएड और एमपीएड में एडमिशन चल रहा है। मैं जुगनू प्रसाद बिंद, मेरा नंबर है 8858712051। दूसरे वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। यदि वीडियो अच्छा लगा हो शेयर करें, धन्यवाद।